जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग आर्क फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। आर्क फाइनेंस के ऊपर मैंने तकरीबन 2 से 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें तब मैंने उस समय के परिस्थिति के हिसाब से इस स्टॉक के बारे में चर्चा की थी, और मैं तभी बता दिया था कि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक काफी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। जिन लोगों ने भी उस समय लॉन्ग टर्म के हिसाब से पैसा लगाया होगा, उनका अभी लगभग पैसा डबल हो गया होगा, क्योंकि ये स्टॉक चूंकि फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाला स्टॉक है, लगभग एक एनबीएफसी टाइप का ये सुविधा देता है। तो इस तरह की जो कंपनी है, शुरू से कहता हूं फाइनेंस का सेक्टर काफी ग्रो हुआ है पिछले कुछ दिनों में देखे तो, और आगे अभी भी इस तरह के जो स्टॉक्स हैं इसमें ग्रो होने के चांसेस हैं। तो इसलिए ऐसा अपॉर्चुनिटी हमें अब नहीं खोना है। मैं इस स्टॉक का ए टू जेड फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूं कि स्टॉक कैसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतर है। साथ में कुछ नए अपडेट्स कंपनी की तरफ से निकल कर सामने आ रहे हैं, उस अपडेट के बारे में भी चर्चा होगी। जैसे अभी आपने सुना होगा कंपनी राइट इशू लेकर आ रही है, तो ये राइट इशू का क्या मामला है, कब से आएगा, राइट इशू में अप्लाई करना है कि नहीं करना है, कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट होगा, तमाम चीजों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। शुरुआत एकदम बेसिक से करेंगे, शुरू से करेंगे। देखिए आर्क फाइनेंस लिमिटेड, चूंकि जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको पता लगे ये जो कंपनी है, ये सबसे पहले ये समझिए कि फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी, जो फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, जैसे लोन वगैरह प्रोवाइड करना, किसी कंपनी के लिए एंकर बैंकर के तौर पे काम करना, ये सब फाइनेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आता है। तो इस तरह के जो सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, इनका फ्यूचर काफी ब्राइट है, काम काफी बड़े हैं। सिर्फ काम के बेसिस पे अब हम पैसा नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें वर्क के साथ साथ कंपनी का फंडामेंटल भी देखना होता है, फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल भी देखना होता है। तीनों चीजों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। काम मैंने बता दिया, अब फंडामेंटल समझते हैं। देखिए इस कंपनी का जब आप मार्केट कैप समझ देखेंगे तकरीबन 111 करोड़ के आसपास हो गया, यानी कि जो हमारा एक मेजर मोटिव होता है कि कोई भी जो पेनी स्टॉक को हम डिस्कस करते हैं तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसका मार्केट कैप 100 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। यहाँ पे मार्केट कैप 100 करोड़ को पार कर गया है, यानी कि एक सेफ जोन में ये स्टॉक आ गया है, और शेयर प्राइस अभी देख सकते हैं 2 रुपए 20 पैसे के आसपास चल रहा है। बढ़ने के बाद इतना हो गया है, पहले जब मैं 2-3 साल पहले इस वीडियो बनाया था तब इसका प्राइस कुछ पैसों में हुआ करता था, 50 पैसा 60 पैसा, और उस समय इशू भी कुछ आया था, स्टॉक सस्पेंडेड हो गया था, लेकिन अभी सब कुछ ठीक हो गया इस स्टॉक में। स्टॉक का पीई भी ओवरऑल देखेंगे तो जो पेनी स्टॉक होते हैं उनके मुकाबले ठीक है, पेनी स्टॉक में पीई यहाँ महंगा होता ही है, लेकिन ठीक है इसके हिसाब से देखेंगे प्राइस के हिसाब से। तो आरओई 0.53% के आसपास से बहुत बढ़िया नहीं, लेकिन इसको ओके कहेंगे क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बढ़ेगा। अब एक चार्ट को हम लोग समझते हैं, 1 साल का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। आप देखिए पहले इस रेंज बाउंड में स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा था, और आप सभी जानते हैं अगर हमारे चैनल के आप दर्शक हैं कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है, उससे बाहर निकलता है तो उसका ब्रेकआउट होता है। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद थोड़े बहुत पैसा यहाँ पे बन गया, फिर स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में आया चूंकि प्रॉफिट बुक हुआ, फिर इस रेंज में आया। एक स्टेप देखिए, इस रेंज से देखेंगे तो यह जो रेंज है एक स्टेप ऊपर आया, एक स्टेप ऊपर आके कंसोलिडेट करने लगा। तो जब भी चार्ट पर इस तरह का फॉर्मेशन हो कि एक स्टेप ऊपर आके फिर से स्टॉक कंसोलिडेट करने लगे, इसका मतलब यह है कि एक बड़ी उसमें ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट हुआ और फिर से कंसोलिडेशन रेंज में आ गया, एक स्टेप ऊपर इस रेंज से निकल के देखेंगे इस रेंज में आ गया, फिर से कंसोलिडेट किया, यानी कि और भी बड़ा ब्रेकआउट की तैयारी है। और यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट तीसरी बार में दिया, और अभी भी ये ब्रेकआउट जो दिया है इसका प्राइस देखेंगे तो लगातार ऊपर की तरफ ही जाते जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को टेक्निकल एनालिसिस पहले से आता होगा, उन लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से पैसा बनाया होगा इस स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में, तो आपको ये बात समझना होगा। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का पहले से इन्वेस्टमेंट है, उसके तो बल्ले बल्ले है, जो नया व्यक्ति है जो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया हो, कहाँ पे बाई कर पाएगा, जब तक कि अच्छा खासा इसमें करेक्शन ना हो, रिट्रेसमेंट स्टॉक करने के लिए जब नीचे आएगा प्राइस, थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो वहाँ पे आप बाई कर लीजिएगा, क्योंकि अभी लगातार प्राइस देखेंगे तो यहाँ से जो उठना शुरू लगातार ऊपर गिर जा रहा है, ऐसे में जब प्राइस बहुत बढ़ जाता है तो हम हाई पे हम नहीं बाई करना चाहिए, नहीं बाई करते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का। जैसे रिट्रेसमेंट होगा प्राइस नीचे आएगा, मैं एक नया वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा कि इस लेवल पर आप उठा लीजिए, 2 रुपए के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे बाई किया जा सकता है, और यहाँ से फिर प्राइस जब ऊपर निकलेगा तो इजिली आपको तकरीबन ये 5 रुपए तक, 5 से 6 रुपए तक जाते हुए आपको दिख सकता है। यहाँ पे हो सकता है 3 रुपए के आसपास आने के बाद फिर से एक बार इसमें कंसोलिडेट ये स्टॉक आपको कंसोलिडेट करते हुए दिखे, तो आप वेट कर सकते हैं या तो इस कंसोलिडेशन रेंज में आने का, या 2 रुपए के आसपास आता है तो वहां पे फिर से इसमें नया बाई आप कर सकते हैं। एवरेजिंग करने की अभी जरूरत नहीं है, हाँ लेकिन अगर इस कंसोलिडेशन रेंज में आता है 3 रुपए के आसपास, यहाँ पे आप चाहें तो एवरेजिंग कर सकते हैं, थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर की। तो देखिए क्वार्टर्स के नंबर जब आप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो सेल्स है ओवरऑल
ठीक रह रहा है। जो जून क्वार्टर रिजल्ट है इस साल, फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट, उसमें देखेंगे तो 60 लाख के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ, जो कि ओवरऑल देखें पिछले कुछ समय से जो सेल्स रहा था उसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा है। इस मार्च के क्वार्टर को हम लोग एक्सेप्शनल मानते हैं, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर का नंबर होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होता है लेकिन बहुत ज्यादा सेल्स हो जाता है, तो वो एक छोड़ के जो एवरेज चल रहा होता है उसके मुकाबले देखेंगे तो कंपनी का सेल्स अभी भी ठीक है। सेल्स के मुकाबले कंपनी का प्रॉफिट भी जबरदस्त हुआ है, तकरीबन 3 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट हुआ, जो कि बहुत बढ़िया है, और साथ में कंपनी के इन्वेस्टर्स भी ठीक ठाक मात्रा में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, तो ऐसे पेन स्टॉक में जिसमें प्रमोटर्स हों उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बनता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कंपनी के जो नए अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं राइट इशू को उसके बारे में। देखिए यहाँ पे 4 सितंबर डेट में एक मीटिंग हुई थी जिसमें राइट इशू के बारे में बात क्या मतलब बात निकलकर सामने आ रही है इस मीटिंग में, उसको हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इसमें दरअसल राइट इशू के बारे में बातचीत की गई थी, तो ये 4 सितंबर डेट में जो मीटिंग हुआ था उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लेखा जोखा ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं 4 सितंबर के डेट का ये मीटिंग का अपडेट है। नीचे इसमें पूरा पढ़ने की जरूरत है, मैं नीचे जो मेन चीज है वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो आपको लिखा गया राइट इशू कमिटेड हैज अप्रूव द ड्राफ्ट लेटर, राइट इशू आने से पहले जो भी ड्राफ्ट रेट हेयरिंग प्रोस्पेक्टस होता है उसको सेबी के पास भेजना होता है, तो इन लोगों ने ये जो लेटर है उसको सेबी को एक्सचेंजेस को सबमिट किया है, जिसमें इन लोगों ने फंड को रेज करने की बात कही है। तकरीबन 49 करोड़ रुपए इस राइट इशू के जरिए लोग जुटाने जा रहे हैं, हालांकि ये अभी भी देखेंगे तो अब सब्जेक्ट टू अप्रूवल है, बीएससी के पास एक्सचेंज के पास सभी अप्रूवल आना बाकी है। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगा तो मैं आपको फ्रेश वीडियो बना के राइट इशू का संपूर्ण डिटेल आपको दूंगा, राइट इशू कब से ओपन हो रहा है और कौन कौन से लोग इसमें बाय कर सकते हैं। तो अब क्या है, राइट इशू के जरिए ये पता लगे कि राइट इशू आएगा जरूर और कितने ये कंपनी राइट इशू जरिए कितना पैसा इन्वेस्टर्स से जुटाने जा रही है, ये बातें आपको पता लग गई। कब से इशू ओपन होगा, कौन कौन व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, इसकी डिटेल्स अभी आनी बाकी है, जैसे आ जाएगा मैं फिर से नया वीडियो बना के आपको अपडेट दे दूंगा। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।